हाय दोस्तों नमस्कार, मैं आईजी प्रिंटर्स आशीष शर्मा। आईजी प्रिंटर जैसे कि आप जानते हैं इंटरनेट जनरेशन, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मग प्रिंटिंग। तो मग प्रिंटिंग जो ये है, किस प्रकार से प्रिंट हुआ है, इसका पूरा प्रोसेस आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो बने रहे मेरे साथ, और जितने पुराने मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको थैंक यू, और नए जो मेरे वीडियो में आए हैं उनसे मैं कहूँगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियो को, ताकि आपको नए नए वीडियो देखने को मिले और सीखने मिले। तो हम सिखाते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस करने का तरीका। तो चलिए बने रहिए, ये मग कैसा प्रिंट हुआ है हम इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएं। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने कोरल ऑन कर लिया है और हम जिसे मग पे प्रिंट करना चाहते हैं उस इमेज को हम यहाँ पर पेश कर लेते हैं। प्लस पे क्लिक करके हम इसकी कॉपी बना लेंगे और साइड में शो कर देंगे। देखिए आपका मैटर जो इमेजेस को डार्क रखिए, क्योंकि डार्क रखने से अच्छी क्वालिटी आती है। तो हमने ये कर लिया, प्रिंट भी दे दिए। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट निकल रहा है। तो जो भी आप इमेज देते हैं उसे मिरर इफेक्ट में दीजिए। और प्रिंटर की सेटिंग बता देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी वहाँ पर आपको शो नहीं किया, तो प्रिंटर जैसे मेरा अभी 380 है, एप्सन L380। तो हम 380 पे जाके वहाँ से हम प्लेन पेपर के जगह चेंज करके हम ग्लॉसी पेपर करेंगे और उसको नॉर्मल के जगह हाई पे प्रिंट पे देंगे। और सेकेंड ऑप्शन में जाके हमने जो आपको बताया क्लिक कर देंगे, तो जैसे कि स्लो प्रिंट होता है, तो आप स्लो प्रिंट पे इतनी ज़बरदस्त प्रिंट निकलती है, तो वो प्रिंट क्वालिटी ज़बरदस्त होती है। आप कुछ भी निकालिए, बहुत बेहतरीन क्वालिटी आती है, कहीं से आपके डॉटेड नहीं आते, कुछ नहीं आते, ना लाइनिंग आती है, तो स्लो प्रिंट होती है। तो स्लो प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप देख सकते हो मैं कभी कभी वीडियो को शॉर्ट नहीं करता हूँ, हमेशा मेरी वीडियो लॉन्ग रहती है। तो आप देख सकते हैं, तो आप चाहते तो हम थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देते हैं, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से अभी आपको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो हमने यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, देख सकते हैं आप कितनी जलीली जलीली प्रिंट निकल रही है। तो क्योंकि हम नहीं चाहते आपका टाइम वेस्ट हो, तो हमने फास्ट मोड पे इसको ले लिया है। अभी फास्ट मोड पे आपकी प्रिंट हो रही है, तो हम इनसे इंतज़ार करते हैं जल्द से जल्द ये प्रिंट आउट बाहर आ जाए। तो प्रिंट जैसे बाहर निकल जाती है तो फिर हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। देख लीजिए कि फास्ट फॉरवर्ड कैसे दिखता है, क्योंकि हम आपके भी टाइम की इज्जत करते हैं कि और चाहते हैं आपको सीखने मिले, क्योंकि प्रिंट तो वैसे ही निकलता है जो टाइम लगता है, बट हम फास्ट फॉरवर्ड करके इसलिए दिखा देते हैं कि जल्द से जल्द प्रिंट निकल जाए, आपको सामने दिखा सकें। तो बने रहिए और देखते रहिए किस प्रकार से हमारे एप्सन L380 पे प्रिंट निकल रहा है। बस कुछ ही देर की बात है, प्रिंट आउट बस निकलने ही वाला है। तो हम फिर इसके यहाँ से थोड़ा फिर स्लो कर लेंगे, क्योंकि आगे आपको देखने को मिले। तो देख सकते हैं यहाँ तक हमारा पहुँच गया है, लास्ट एंडिंग आने वाली है, थोड़ी सी फोटो बची है, क्योंकि टाइम लगे मगर कस्टमर को अच्छी क्वालिटी आप दें। क्वालिटी के साथ कोई समझौता ना करें, क्वालिटी अच्छा देंगे कस्टमर आपके पास आएंगे, तो इसलिए क्वालिटी मेंटेन रखिए। कहीं कुछ दिक्कत आती है आप मुझसे बात करिए, व्हाट्सअप कीजिए, कॉलिंग कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं हर एक कमेंट्स का जवाब देता हूँ। कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये हमारी प्रिंट निकल रही है, तो फिर आप देख ही रहे हैं, बस ये लास्ट बचा हुआ है। तो ये हमारा प्रिंट यहाँ पर एंड हो, देखिए हमारा प्रिंट बाहर निकल रहा है, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त प्रिंट आया है। अभी हमने मशीन को अटैच कर रहे हैं, ये हमने हीट प्रेस मशीन में है, हमने मग प्रिंट करने के लिए हम मग प्रिंटिंग का हीटिंग वाला केबल लगा लिया, प्लस इसमें हम नीचे से सेंसर केबल निकाल दिए जो आवाज़ करती है, ये सेंसर केबल हम लगा दिए। जैसे हीटिंग पूरी प्रोसेस हो जाती है तो फिर वो हमें आवाज़ करती है कि चलिए अब मग लगा लीजिए करके, ऐसा बोलता नहीं है बट वो ब्लीपिंग करती है, ये तो मेरे बोलने का तरीका था। तो हमने मशीन को लगा लिए हैं, यहाँ पर हीट प्रेस पर स्टार्ट कर लिए हैं, देख सकते हैं वहाँ टाइमिंग चल रही है। तो ये जब तक होता है तब वेट करते हैं। तो यहाँ पर हम पेपर काट लेते हैं, पेपर कटिंग करके हम मग में लगा लेते हैं। देखिए पूरी प्रोसेस हम आपके सामने दिखाते हैं, कोई हम पीठ पीछे वाला काम नहीं करते,
कि हम डायरेक्ट मग लगा दिए कर दिए, नहीं, हम आपके सामने ही सब सारा काम करते हैं कि ताकि आप सीखें और आप खुद से अपना बिजनेस करें, है ना। हम आपके सपोर्ट के लिए इसीलिए बैठे हैं कि आप हमारा वीडियो को पूरा देखते हैं और आप हमें भी मानते हैं, तो हम आपको बाकायदा सही चीज़ की जानकारी देते हैं, कहीं से गलत अब नहीं देते। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से हमें काटना है, मग को आपको नापनी रहती है कितने तक आपको प्रिंट आपको लगाना है, क्योंकि मग का हैंडल भी हमें छोड़ना पड़ता है। तो मग का हैंडल छोड़ के हमें प्रिंट इतना करना है कि जो हिट प्रेस में बराबर बैठ जाए। तो देख सकते हैं हम ये पूरी कटिंग कर रहे हैं और किस प्रकार से हम कर रहे हैं, तो देख रहे हैं हम ये कटिंग कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर शेप में कटिंग करिए ताकि आपके मग में बैठ जाए। और जैसे हीटिंग टेप अपन लगाएंगे और हमने जैसे आपको बताया जो इमेज निकलेगा मिरर इफेक्ट में निकलना चाहिए, क्योंकि जो भी मैटर लिखा रहेगा वो जब ट्रांसफ़र होता है तब सीधा दिखता है। तो देखिए हम किस प्रकार से पेपर लगा रहे हैं कि हैंडल भी अपना हो जाए, सेफ हो जाए, और इसको हम मिरर इफेक्ट तो है, अब इसको हम सेटिंग करके इसको रख रहे हैं, फिर हम हीटिंग टेप को कटिंग करके वहाँ लगाएंगे। तो हम यहाँ पर टेप लगा रहे हैं, तो देख सकते हैं किस प्रकार से हम टेप लगा रहे हैं। बराबर हमको ऊपर नीचे सब तरफ देखना पड़ता है कहीं से कुछ चीज़ ना छूटे, और हम टेपिंग कर रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पर टेप करने के लिए थोड़ा प्रॉपर तरीके से सब चिपकाएंगे। हाँ, ध्यान रखिए एक एक टेप लगा के मत काम करिए, क्योंकि कॉर्नर अगर उड़ गया तो वहाँ लाइट आ सकता है। तो मिनिमम एक एक साइड में तीन तीन टेप लगाइए कि आपका सब तरफ से प्रॉपर लगा रहे, तो किसी तरफ से आपका छूटना नहीं चाहिए, और हैंडल भी आपका बराबर निकलना चाहिए कि हैंडल वो हो जाए। हमारी इधर मशीन गर्म हो रही है, तो ये हमने पूरा प्रॉपर कर लिया, देख सकते हैं। और हम इस चीज़ को बराबर तरीके से सेट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कहीं से भी पेपर छूटे। तो देख रहे हैं आप जिस प्रकार से इसको समझिए, क्योंकि अभी तो ये एक मग है करके हम आपको दिखा रहे हैं, अगर ज़्यादा मग रहता प्रिंटिंग के लिए तो हमें फास्ट काम करना पड़ता, तो स्लो काम में अच्छा सीखने मिलता है। तो आपको एक सीखने के लिए अच्छा जरिया मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा मग प्रॉपर हो गया, फिटिंग हम सब तरफ से चेक कर रहे हैं कहीं से भी कि कुछ चीज़ ना छूटा हो, हम खींच के इसको अच्छे से लगा देते हैं। और आगे हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से इसे वर्किंग हो रही है। ये हमारा हो गया, अब हम मशीन को एक बार चेक कर लेते हैं क्या हुई हीटिंग की, क्योंकि हमने मशीन बंद कर दिया था, ये फिर से हीटिंग हो रही है मशीन में। ये हमारा मशीन जब 200 हो जाएगा तो इस पर ब्लिपिंग होती है, उस दौरान हम यहाँ पर उसको फंसाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हो गई है, तो हमारा ये 180 हो गया। तो यहाँ पर कितना बढ़िया अपना जल्द से जल्द हो जाता है। देखिए मेरी मशीन जो है हिट प्रेस, ये डिजिटल मशीन है, तो 90 बस हमारे पास 9 सेकंड और 7 सेकंड, तो ये हमारी सेकंड हो गई। देखिए यहाँ पर ये 200 अपना जैसा होता है वैसे ही हम इसमें अब हम मग इससे फिट कर सकते हैं। तो ये हमने मग को लिया, नॉर्मल हाथ से इसके अंदर डालते हैं देखिए, और हम इसको प्रॉपर यहाँ से हम प्रेस करेंगे, मगर हैंडल को पहले पकड़ के देख लेंगे कि कहीं छूट ना जाए, तो इसलिए बराबर हम हैंडल को फिट कर दिए। अब वहाँ पर टाइमिंग चल रही है,
ये पूरा हमारा 230 सेकंड, ये पूरा भी डाउन होगा। एक्चुअली 250 सेकंड, 240 सेकंड होता है ये पूरा। जब जीरो हो जाएगा उसके बाद हम इसे बाहर निकाल देंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम कर रहे हैं। देखिए टाइमिंग चल रही है हमारी, हमने इसमें टाइमिंग जो दिया था आपको बताया, जिस प्रकार से अभी हमारे पास 200 सेकंड बाकी है। तो ये आप जितनी अच्छी हीटिंग देते हैं उतनी अच्छी प्रिंट आउट आती है। तो हम नॉर्मल पेपर यूज़ करते हैं, कोई आपको सबलिमिनेशन पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती मार्केट में हल्ला है कि सबलिमिनेशन प्रिंटिंग करने के लिए सबलिमिनेशन पेपर लेना ज़रूरी है। इसको आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा सही चीज़ बताता हूँ। तो आपको कोई भी सबलिमिनेशन पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉपियर पेपर कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। बस प्रिंट निकालने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया है कि आप ग्लॉजी प्रिंट पे डाल दीजिएगा, हाई मोड पे रखिएगा, और एक ऑप्शन और बताया था मैं, वो क्लिक हटा दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा मशीन से स्लो प्रिंट निकलेगा मगर प्रिंट की क्वालिटी बहुत जानदार रहेगी। तो उस चीज़ को देखिए। और ये टाइमिंग को गौर करिएगा। टाइमिंग जितना आप लेट लेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी। ऐसा नहीं कि आपने 60 सेकंड दे दिया। अधिकतर लोगों को आप देखे होंगे कि 60 सेकंड 100 सेकंड देते हैं। मैं आपको कहता हूँ 240 सेकंड, 250 सेकंड, जितना आपका लास्ट जाता है। अगर 300 सेकंड भी आपका जाता है तो आप 300 सेकंड दे दीजिए। इससे क्या होता है, हीटिंग बहुत अच्छी होती है और प्रिंट जो पेपर से मग पे ट्रांसफ़र हो जाता है और ज़बरदस्त प्रिंट होती है उसका। कोई मतलब मैंने जो आपको गाइड करता हूँ तो उस चीज़ को समझिए। और देखिए अभी हमारे पास 111 सेकंड बचे हैं, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम आपको मग को निकाल के दिखाएंगे तो कितना बेहतरीन हो रहा है। तो देखते रहिए, हम यहाँ पर इसको कर रहे हैं, 99 सेकंड बाकी है। तो पूरी टाइमिंग हम आपको दिखा रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि हम आपको वीडियो काट के दिखा रहे हैं। तो कंप्लीट वीडियो चल रही है तो आप देख सकते हैं। तो हम पूरा मशीन भी आपको दिखा रहे हैं, यूनिट मेन यूनिट ये होती है। अब जो जो इसमें अटैच करना चाहते हैं वो आप पार्ट्स अटैच कर सकते हो। जैसा कि अभी हमने मग अटैच किया तो मग का केबल हमने लगाया। बाकी लोगों के पास सेंसर वाला नहीं रहता, मेरा डिजिटल है करके उसमें सेंसर केबल, पावर केबल, हर चीज़ अटैच करना पड़ता है। तो इसमें अलग अलग मोड दिया है मेरा, टी शर्ट प्रिंट करने के लिए अलग मोड है, मग प्रिंट करने के लिए अलग मोड है। तो अगर आप नया मशीन लेना चाहते हैं तो डिजिटल मशीन लीजिए। डिजिटल मशीन इसमें काउंटिंग बताता है अभी तक आप कितना छाप चुके हैं और बहुत बेहतरीन इसकी क्वालिटी है डिजिटल की। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो हमारे नए भाई अगर इस मशीन को लेना चाह रहे हैं तो डिजिटल मशीन लें। देखते हैं, हमारे पास 32 सेकंड बाकी हैं। तो 32 सेकंड बाद हम मग निकालेंगे। थोड़ा देर मग को ठंडा होने छोड़ते हैं क्योंकि तुरंत निकाल के उसका फिल्म मत निकालिए क्योंकि वो हीटिंग रहती है। तो मग निकालने के बाद हम उसको थोड़ा देर बाहर छोड़ देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, अभी हम इसको वेट कर रहे हैं 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड। हमारी टाइमिंग 3, 2, 1, यहाँ पर हमारी ब्लिपिंग हो गई मशीन और हम इसे बाहर निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से मग को हम निकाल रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हीटिंग ग्लोव्स पहनने के लिए, हमने निकाल दिया। ये हो गई और हम इसको अब थोड़ी देर के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। देख सकते हैं ये मग में ये प्रिंटिंग आ चुकी है। तो हम इस मग को भी यहाँ पर ठंडा होने के लिए रख रहे हैं। तो जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो देखिए फिल्म अभी दिख रहा है, हमने पेपर लगाया हुआ है, मग में आ गई है फिल्म, उधर ट्रांसफर हो चुकी है। थोड़ा देर ये ठंडा हो जाता है, पेपर में भी दिख रहा है आपको। फिर हम इसको हम पेपर को निकाल देंगे, आउट करेंगे। इस प्रकार से इसके बाद दिखता है, ठीक है वो देखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रिंट हो चुकी है और ये कितनी बेहतरीन क्वालिटी से प्रिंट हुई है, हम इसको आपको दिखा रहे हैं। तो ये हमारा एक्चुअल में आउटपुट हुआ है। तो आप इस चीज़ को देखिए और समझिए किस प्रकार से हमने जिस मग में ट्रांसफ़र किया एक पेपर से प्रिंट। अगर आपको समझ नहीं आता तो दोबारा एक बार फिर से वीडियो देखिए, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट से कॉल करके देख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।